सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग। तो भाई फाइनली मनाली से चेकआउट कर दिया है और भाई अभी हम जा रहे हैं सिसु के साइड। और भाई रास्ते में रुके थे, हेलीकॉप्टर राइड पूछ रहे हैं। तो गाइस हेलीकॉप्टर की राइड पूछी मैंने, 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। 2.5 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अभी नहीं कर रहे, फिर कभी देखेंगे। वैसे हेलीकॉप्टर भी आ गया। सो गाइस ये देखो भाई विशन फ्राइज, क्या नाम है इसका? विनी। हेलो विनी। ओ भाई कितना क्यूट है ना, इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, के बाल भी बहुत अच्छे है ना करली। विनी बाय विनी। सो गाइस फाइनली बर्फ के पहाड़ आने लग गए धीरे धीरे। सो गाइस फाइनली सिसु तो पहुंच चुके हैं और गाइस जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। सो गाइस ये देखो भाई पहाड़ी साइबेरियन की जंगली है पूरा, ये भाई शिकारी है। ये देखो गाइस कैसे निकल निकल के आ रहे हैं, आधी लोमड़ी है ये। सो गाइस मैं फिलहाल गीलोंग में आ गया हूँ, यहाँ पे होटल लिया है हमने। तो ना भाई बार बार कंफ्यूज हो रहा था, बारह लच्छा के लिए कैंसिल कर रहा था जाने का, पर भैया ने मेरे को मना लिया दोबारा से। भैया कह रहे कि भाई वहाँ पे जाओ, बर्फ मिलेगी तुम्हें वहाँ पे। मैं डर रहा था भाई कभी यहाँ पे ना कोई क्राइम वगैरह ना हो। वगैरह नहीं होगा, भूत जरूर मिलेंगे। भूत जरूर मिलेंगे भाई, कह रहे कि भाई भूत जरूर मिल जाते हैं। मतलब भाई कह रहे कि भाई क्राइम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे भूतों की दिक्कत है। और भाई ने एक मोड़ बताया हमें, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है रात को जाने में। 22 मोड़ बताया कोई लद्दाख में ले से पहले। ये देखो भाई यूट्यूब पे निकाल भी लिया चिट्टू ने, मतलब वहाँ पे जो भी आता है ना पानी की बोतल रख के जाता है ताकि भूत ना चिपटे उसके। मैंने सुना है कि भाई पहाड़ों में ना भाई बहुत ज्यादा रहस्य होते हैं। आर्मी का ग्रुप गायब हो गया था बारह लच्छा में, अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक नहीं पता चला। ये तो है, मतलब पहाड़ों में बहुत सेफ रह के चलना पड़ता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे गायब भी हो जाते हैं, मिलते भी नहीं है रात के टाइम में। पहाड़ों में तो घूमना सेफ नहीं है। और भाई जहाँ पे हमने ये होटल लिया है ना, बहुत ज्यादा सुनसान एरिया में है, बेसमेंट में आके है, पर ना भाई बिल्कुल खाली है, कंस्ट्रक्शन साइट है। जो होटल के ओनर है ना, उन्होंने हमें अवेयर किया है भाई यहाँ पे ना फालतू नहीं घूमना और कोई फालतू हरकतें नहीं करनी, कुछ भी दिक्कत हो सकती है इन चीजों से रिलेटेड। तो अभी हम खाना खा के आए हैं और गाइस अभी आगे सीधा सो रहे हैं और भाई सुबह उठ के चलेंगे सीधा बारह लच्छा बर्फ में। सो गाइस हम तो उठ चुके हैं और भाई सभी तैयार हो चुके हैं नहाके। और गाइस ये देखो भाई चीनू भी आज जल्दी उठ गया, अच्छा ये उठाया गया है, यहाँ से ना मस्त व्यू दिख रहा है, सामने बर्फ दिख रही है, सामने भी बर्फ। सो गाइस फिलहाल हम बर्फ के बहुत ज्यादा पास है, तो अभी ना बारह लच्छा की साइड जा रहे हैं और वहाँ पे ना बर्फ में एंजॉय करेंगे। मेरे पास तो ग्लव्स भी नहीं है, मेरे तो हाथ जम जाएंगे पूरे। तू गाड़ी में बैठा रही हो? नहीं खेलूंगा पर। सो गाइस चाचा की वीडियो कॉल आई है। चिकी कैसी है? चिकी ड्यूक है, ड्यूक। ओ भाई अटैक मोड पे आ गए तो पूरा ड्यूक रेड। सो गाइस ये देखो भाई ये ना कंस्ट्रक्शन साइट है, रात होना पूरा अंधेरा हो गया था और डर लग रहा था। होटल के ओनर भी बता रहे थे हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है रात को, इसलिए हम अंदर जाके सीधा सो गए थे। जहाँ पे अभी हम है ना, यहाँ भाई 10,000 फीट के आसपास ऊंचाई पे है, जिसको भी 12 लच्छा जाना है ना कहते हैं कि भाई वो ना किलो या फिर जिस पा के आसपास रुक लो, एक रात रुक के ये पता चल जाएगा कि भाई हमें सांस ढंग से आ रही है नहीं आ रही, ऑक्सीजन का पता चल जाएगा, हम झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। अभी ये फिलहाल 10,000 फीट है और गाइस जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो गाइस 15,000 फीट है। गाइस ये देखो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है और देखो सामने कितना गहराई और व्यू दिख रहा है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ते में आलू प्याज के परांठे और दही। अभी हम खा रहे हैं खाना और खाना खा के चलते सीधा बारह लच्छा बर्फ में। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस ये देखो भाई कच्चे रास्ते आ गए हैं, ये ना भाई बर्फ का पिघला हुआ पानी है तो बहुत ज्यादा ठंडा पाएगा ये। कैप लगा लो या कुछ भी लगा लो, नहीं तो सर दर्द बहुत भयंकर, सर दर्द हो जाएगा। मतलब कुछ ढक लेते हैं। भैया कह रहे थे भाई कुछ ढक लो सर पे, नहीं तो यहाँ पे सर दर्द हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। तूने तो पहन लिया ना, मेरे को ही पहनना पड़ेगा। क्या पहने? रुमाल बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं। सो गाइस देखो भाई आर्मी कैंप आ गया, बारह लच्छा की साइड जा रहे हैं हम। सही उतरोगे? तो गाइस अभी भाई बारह लच्छा की साइड जा रहे हैं और गाइस अंकल ने लिफ्ट मांगी थी हमसे आर्मी कैंप तक, हमने अंकल जी को यहाँ पे ड्रॉप किया है। और गाइस यहाँ भाई व्यू भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, देखो भाई पूरा खुला खुला है। चले तो गाइस फाइनली बर्फ के पहाड़ आ गया, बहुत ज्यादा वेट किया। ये देखो भाई सामने बर्फ है, मस्त लग रहा है भाई दूसरे। तो गाइस ये देखो भाई बर्फ आ गई है और धीरे धीरे ना बर्फ पड़ती चली जाएगी। तो तेरे भाई सबसे पहले सिट्टू के बर्फ मारूंगा, तेरे से किस दिन की दुश्मनी निकालनी है भाई। चची तू किसके मारेगा? मैं इसी को मारूंगा गाइस, अभी देखते हैं भाई सिट्टू के कैसे लगेंगे मस्त। तो गाइस अभी फाइनली बर्फ आ गई है, वो नहीं चढ़ेगी। ओ ओ बर्फ आ गई। ओ भाई ओए बस अभी बता तुम, तेरे को मैं रुक जा। ओए बहुत लग रही है, क्या हो गया? लगी और रुक जाओ गाइस अपना भाई बहुत ज्यादा हाइट पे आ गया है और सांस फूल रही है यहाँ पे और सर घूम रहा है ना, यही उतार के भाग गया। गाइस अपना बर्फ के चक्कर में ना भाई बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है। ओए ये क्या बना रहा है? ये देखो भाई इतना बड़ा गोला उठा लिया, ये मारेगा सिट्टू के। ओ भाई बस आराम से। ओए रास्ते में क्या कर रहा है ये? सो गाइस ये देखो भाई कितना मस्त नजारा, हर जगह भाई बर्फ ही बर्फ है और बीच में भाई बिल्कुल ब्लू पानी, मस्त लग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है गाइस जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, इतना ब्लू पानी है नेचुरली। सो गाइस फाइनली बारह लच्छा पास आ चुके हैं। ये देखो भाई बादल भी दिखले, बादलों से भी ऊपर आ गया।
गाइस 12 लच्छा पास तो पहुंच चुके हैं हम। और भाई हमारा भाई बहुत ज्यादा सांस चढ़ रही है। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। दूर दूर तक ना पेड़ पौधे भी नहीं है। ट्रैकिंग करते करते ना सामने जाएंगे बर्फ में, मतलब ऐसा लग रहा है स्पेस में आ गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है धूप हमारे पास में ही है, ज्यादा शाइन कर रही है। बादल तो है ही नहीं यहाँ पे, बादल नीचे रह गए हैं। हम बहुत ज्यादा ऊपर आ गए और धूप जो है ना ऐसा लग रहा है कि भाई पास में ही है। सूरज ब्राइटनेस है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे। गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी करी हमारी, अब थार होते ना और ऊपर चढ़ा देते पहाड़ के। हंस ले भाई, क्या हो गया, रो क्यों रहा है? सांस नहीं आ रही ऊपर, तू छोटा है। पानी पीता रहे के घूट गाइस, हम ना पानी पीते रह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। चीनू यहीं बैठ जा भाई, सांस लेता रह। क्या हुआ चीची, है रहन तू? क्यों ऊपर खास नहीं आ रही भाई? हम देख रहे वहां पर, हमें से आगे ऊपर यही दिक्कत हो रही है। ये देखो भाई कितनी करारी बर्फ, बिल्कुल चीनी जैसी है बर्फ। यही है खतरनाक वाली, क्योंकि काफी ज्यादा हाइट पे है। ये जब पड़ी रह जाती है ना तो ये पिघलती भी नहीं है, बिल्कुल कांच बन चुकी है ये। और भाई ऐसा ना भाई आवाज भी गूंज रही है, पूरी आवाज गूंज रही है। चीनू तू चिल्लाइयो गाइस, चीनू की आवाज तो ढीली हो गई है। थोड़ी सी बर्फ खाते हैं गाइस, पूरा मटके वाला पानी लग रहा है। बरस ले कैच, वाह भाई वाह। सो गाइस ये देखो, ओ लग जाएगी, बहुत बड़ा वाला गोला फेंका है। ओ पत्थर शुम बर्फ। सो गाइस ये देखो भाई कितनी बड़ी बर्फ। ओ भाई, सो गाइस चीची तो चला गया, उसके भाई ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो गाइस हम ना भाई यहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ से लेके पूरा ही बर्फ ही बर्फ है। और गाइस ये देखो भाई चीनू भी जा चुका है, चक्कर आ रहे थे, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, सांस फूल रही थी। तो गाइस ये देखो भाई काम पे चले गए वो बंदे, उनके तो आते पैर पैर फंस गया भाई। ओ भाई वो फंस गया, वो गिरने को हो गया, गिरने से भी ज्यादा। इनको कुछ हेल्प चाहिए क्या? इनको भाई हेल्प चाहिए क्या? वो गिर गया, पलट के मुंह लगता है इन पे ईंटों पे। फंस तो नहीं जाएंगे यहाँ पे, और पहुंच गया। क्या फंस गया? टांग फंस गई। सो गाइस चीटू की टांग फंस गई है। गाइस हमें अभी बचाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी फंस गई, पैर सुन हो गया, वापस चल जल्दी आ, वापस आ जा, ध्यान से आ जा भाई, ऐसे मत आ, बच जाएगा वो भाई। भाई चीटू डर गया, यहाँ पे ना कोई भी पुलिस वाला नहीं है, बचाने के लिए कोई है भी नहीं। दूर दूर तक ना भाई कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार रहा, शाम होते ही सब चले जाएंगे। तो भाई देखो चीटू का क्या हाल हो गया, डर गया था बहुत ज्यादा चीटू का, तो भाई सदमा लग गया। तो भाई हम ना वापस जा रहे हैं, ब्लू ब्लू से दिखने लग गया सब कुछ। तेरे को भी दिख रहा है काला काला? पहले ना बहुत सुंदर नजारा दिख रहा था, तो भाई खतरनाक दिखने लग रहा है, काला काला नजर आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब गाइस ये है कि भाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गया है। सो गाइस फाइनली गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। क्या हो गया चीनू की तबीयत खराब होगी? नंगे पैर क्यों खड़ा है? वो तबीयत खराब होगी तेरी तो, अच्छा गाड़ी में बैठ। भाई बुखार लग रहा है मुझे तो, इसके सर में दर्द हो रहा है। भाई सब ना भाई जल्दी से वापस जा रहे हैं, इससे पहले कि भाई चीनू की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। और गाइस वो चोटी देखो भाई कितनी ज्यादा शाइन कर रही है, बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई हमने एंट्री करी थी ना, गाड़ी के सीरियल नंबर भी नोट कर रहे थे, बंदे भी काउंट कर रहे थे, अगर कोई रह जाता ना यहाँ पे तो भाई रेस्क्यू टीम ढूंढने आती है उसको। सो गाइस ये देखो भाई ग्लेशियर्स के बीच में इतना नीला पानी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और भाई सामने इतनी मोटी मोटी लेयर है बर्फ की। आज बहुत ज्यादा बर्फ देख ली हमने, वहां से बर्फ बर्फ करते आ रहे थे। सो गाइस अभी रास्ते में रुके हैं, ये देखो ऊपर से भाई फिसलते फिसलते भी आ सकते हैं। ये देखो भाई चिट्टू की भी हालत खराब हो गई है, पूरे चक्कर वक्कर आ गए इसको भी। ऊपर जाऊंगा मैं और स्लाइड करके आऊंगा नीचे। चिच्ची भी गया ऊपर, तेरी जैकेट ले गया चिच्ची, और पीछे बांध के स्लाइड करेगा जैकेट आएगा। ये देखो भाई चिट्टू ये जैकेट कनाडा से लाया था। ओ भाई जबरदस्त मजा आ गया होगा ना। यहाँ के जो पहाड़ है ना भाई अलग ही लेवल के हैं। सो गाइस अभी ना मैगी खाने रुके हैं। अभी बाहर देखो काफी ज्यादा ठंड है, और कलर भी पूरा चेंज है, पूरा आसमान ना भाई जैसा वीडियो में दिख रहा है ना रियलिटी में ऐसा ही है। बाहर निकल आजा। सो गाइस ये देखो भाई इसकी शक्ल कैसी हो गई है, आजा मैगी खा ले, तेरे से तो बीमार हो जाएगा ये और ज्यादा। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूं मैगी, और चल जल्दी मैगी खाएंगे। अभी गाड़ी चिट्टू चला रहा है, चिट्टू तो थक गया भाई सो रहा है। तो गाइस रास्ते में भाई हमें डॉक्टर मिल गया है, तो दवाई दे दिया चीनू के लिए। वैसे हमने पूछ ली थी रास्ते में कि भैया दवाई वगैरह है, भैया ने ना भाई सारी चीज बता दी, हमारे पास इंजेक्शन भी है, डॉक्टर है भैया, सही टाइम पे मिल गया हमें। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू दीदी, इंजेक्शन वगैरह सभी है हमारे पास। ले चीनू दवाई लेके आए तेरे लिए। यहाँ पे सबके दर्द हो चुका है सर में, चिच्ची के चिट्टू के और चीनू के, मैं ही बचा हुआ इस गाड़ी में, अभी भी नॉर्मली फील कर रहा हूँ। जादू थोड़ी करा मैंने, जीपीएस भी काम नहीं करा, भाई चार बज चुके हैं अभी अभी, नेटवर्क आया फोन के, व्हाट्सएप खोल के देखा ना भाई, चाचा ने इतने मैसेज कर रखे थे, पता चला भाई चाचा ने 3-4 घंटे से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, यहाँ के आसपास के नंबर भी निकालने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी का जीपीएस काम करना बंद कर गया था यहाँ पे। चक्कर में भाई चाचा की टेंशन होगी बहुत ज्यादा, ये भाई काफी ज्यादा ऊंची जगह है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। गाइस बहुत ज्यादा रोनतड़ी आवाज हो रही है चाचा की। सो गाइस ये देखो भाई चिट्टू का भी मूड खराब हो गया पूरा। सो गाइस हम आ गए मनाली, और गाइस ये देखो भाई हॉट एयर बैलून, ये करने का मेरा बहुत ज्यादा मन था। हम जा रहे हैं भाई होटल बैलून के अंदर, निकलने तो पहले भाई इसको।
ओ चल 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 ओ भाई भाई गर्मी बहुत लग रही है यार इसके नीचे। ओ भाई उड़ने लग गए भाई, बहुत ऊपर आ गए हैं ये भाई, पूरा कंट्रोल कर रहा है ये, मस्त लग रही है पूरी गन लग रही है ना भैया। गर्म वहां से उड़ते हैं भाई, तो गाइस हम खाना खाने रुके थे और भाई खाना तो हमने खा लिया है, अभी टाइम हो रहा है 10:40 और गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधा भादुरगढ़ घर पे। और गाइस रिया का ग्रुप पीछे है, सिर्फ मनाली में ही थे, हमारी तरफ बर्फ वगैरह में नहीं गए। और कहीं भी चलना चीनू बस छिक गया बस हवा निकल गई। गाइस पूरे रास्ते ना ये कहता आया था कि भैया बर्फ देखनी है, जैसे ही बर्फ के वहाँ पहुंचे ना वैसे इसकी हवा निकल गई। गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इसने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। गाइस ये कह रहा है मत बताओ, इसके ना भाई रियलिटी में चक्कर नहीं आए थे बर्फ वाली जगह पे, ये झूठ बोल रहा था। गाइस ऐसे मेरा मन नहीं है बताने का, अभी सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता मैं, तो बतानी पड़ेगी। क्या बात थी चीची भाई? गाइस इसको ना भाई लूज मोशन लगे हुए थे, गाइस इसने भाई किसी को भी नहीं बता रखा था, वहाँ पे जाके इसने पेंट में कर दी, वहाँ पे इसने ऐसी शक्ल बना ली जैसे पता नहीं कितना बीमार हो गया, चक्कर आ गए इसको। इसने ना भाई 3-4 जनों से सुना हुआ था कि वहाँ पे चक्कर आते हैं, तो उस चीज की इसने एक्टिंग करी मस्त। पर गाइस रियलिटी में इसने कर दी पेंट में इसने पहाड़ पे, गलती इसकी भी नहीं है, लूज मोशन लगे थे इसको, उससे आगे ना एक भी चीज नहीं थी, ना कोई होटल, ना कोई स्टॉल, ना कोई फार्मेसी, मतलब कुछ भी नहीं था, तो इसके लिए भाई दवाई भी नहीं ले पाए और ना इसने बताई हमें, इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन तो था वैसे, वहाँ पे कहीं भी कर सकता था, पर इसने हमें बताई नहीं, इसने पेंट में करना सही समझा। कोई बात नहीं, अगली बार से मत करियो ठीक है। तो गाइस अभी मैं गाड़ी में एडिटिंग करूंगा और एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा गाड़ी में ही। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।